बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रेटजी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ स्वाति रायना और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आज हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ है वो है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश कर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम आशीष चतुर्वेदी बताएंगे बर्जर पेंट्स के नतीजों का अनुमान। संदीप ग्रोवर हमें बताएंगे एचपीसीएल के कैसे रहेंगे नतीजे। दीपांशु भंडारी बताएंगे क्रूड में नरमी से किन शेयरों को होगा फायदा। और देवांशी आशर बताएंगी सिप्ला और डेवीज लैब के नतीजों का अनुमान। सबसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज फिर बाजार में शानदार खरीदारी देखने को मिली। बजट के दिन जो गिरावट आई थी उसकी करीब करीब भरपाई हो चुकी है पूरी। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2.25% की तेजी के साथ आज बंद हुए। निफ्टी की बात सबसे पहले करें तो 12,000 के करीब बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक पर नजर दौड़ाए तो यहां पर भी 650 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 30,700 के पास ये बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं अब, मेटल, बैंक, फाइनेंशियल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। वहीं डिटेल में ग्लोबल बाजारों में तेजी के चलते आज दरअसल मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिली। कच्चे तेल में दबाव से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी देखने को मिली। आज सरकारी कंपनियों में भी तेजी रही। कॉनकॉर, पावरग्रिड, जीआईसी और ओएनजीसी में आज शानदार उछाल देखने को मिला। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में भी मजबूती देखने को मिली। साथ ही नतीजों का सीजन पीक पर है और टाइटन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, पीएनबी और पीरामल एंटरप्राइजेस में नतीजों के बाद का एक्शन यहां पर देखने को मिला। चलिए तो हमने बाजार का आज का हाल जाना, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। सबसे पहले एफआईआई डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 366 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 601 करोड़ रुपए की खरीदारी की। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं अनिल जी का। अनिल जी, आज हमने देखा बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। क्या जो ग्लोबल चिंताएं थी वो सब खत्म हो चुकी है और जो एक बजट का एक डर था, एंजाइटी थी, वो बाजार के ऊपर से टोटली जा चुका है? दो बातें आपने पूछी कि क्या सारी ग्लोबल चिंताएं खत्म हो चुकी है और क्या बजट का डर पूरा निकल चुका है। दूसरी चीज पहले बताता हूं, बजट का डर तो कमोबेश निकल चुका है क्योंकि सबने बजट के बाद फाइन प्रिंट्स पढ़ ली और बजट की इस बार की फाइन प्रिंट्स में कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो ये जो पढ़ने के बाद सबको समझ में आ रहा है कि ठीक है, बजट बहुत अच्छा नहीं था, जैसा लोग उम्मीद लगाकर बैठे वैसा नहीं था, लेकिन बजट में खराब कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। वित्त मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप और मैं और बाजार मुंह फुलाकर बैठ जाए कि ये क्या बजट है। तो शनिवार का जो रिएक्शन था शायद वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया उम्मीदों के चलते और उसी लिहाज से आज और कल थोड़ी तेजी बन गई। तो ये तो कह सकते हैं कि बजट का काम तो पूरा। अब आइए दुनिया भर के बाजारों पर। हाँ, यहां कहना जल्दबाजी है। बाजार ने आज डिसाइड ये किया कि हम दुनिया भर की बुरी खबरों पर नजर नहीं डालेंगे या उसे नजरअंदाज करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे आपको खराब खबर नहीं सुनने को मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि फिर से बाजार गिर नहीं सकते। कोरोना वायरस तकलीफ वाला मामला है, बड़ा मामला है, चीन के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है और थोड़े थोड़े जो अब इस वायरस को लेकर, इस बीमारी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव भरे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। देखिए, कमोडिटीज रिएक्ट कर रही हैं, कच्चा तेल $54-55 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि डर तो है। और दूसरी बात, दुनिया भर के कारोबार पर, बिजनेस पर बड़ा असर डालने वाला भी है। तो इसलिए ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि दुनिया भर के बाजारों का डर खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है और जिस दिन कोई बड़ी बुरी खबर ना सुनने को मिले उस दिन बाजार थोड़ी राहत महसूस करेंगे और फिर इसी तरह से बढ़ जाएंगे। तो आज की तेजी दोनों का मिक्स है। पहले बाजार में शॉर्ट्स थे बजट के दिन जो बने हुए, थोड़े कल कवर हुए, बाकी आज हो गए। दूसरा, थोड़ा बजट का जो डर था, जो समझना था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और तीसरा, दुनिया भर के बाजारों ने थोड़ा सा ना भूलने की कोशिश की कि हम बड़ी तकलीफ में, बहुत गिर गए, थोड़ा संभलना चाहिए। तो इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर आज बाजार में अच्छी तेजी दिखा दी,
900 पॉइंट सेंसेक्स कम नहीं होते। ओके अनिल जी, तो ये तो हमने जान लिया कि आखिरकार बाजार पर इम्पैक्ट क्या था और उसका क्या असर रहा है, लेकिन अब आने वाले टाइम में और कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजार के, इस पर हम आपसे थोड़ी देर में फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं हमारे आज के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, यही बार बार बात हो रही थी कि बजट का जो एक हैंगओवर था वो हमने धीरे धीरे देखा, अब थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। अब दूसरे दिन लगातार तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में, सभी सेक्टर्स में जमकर खरीदारी हुई है। मतलब बजट के दिन जो एक सेक्टर्स पर हम दबाव देख रहे थे वो उसमें रिकवरी है, कहाँ पर कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बुलिश हैं आप? मुझे लग रहा है कि बजट में आपने सही कहा कि बजट वाले दिन पे मार्केट्स ने थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन दिया, इसलिए बाज़ार में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मार्केट्स में थोड़ा बहुत बजट को एनालाइज करके देखा है तो रूरल रिलेटेड जो सेक्टर्स है वहाँ पे बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट किए हैं। हमको लग रहा है कि जो एग्री रिलेटेड सेक्टर्स है, स्पेशली एग्रोकेमिकल्स है, ट्रैक्टर सेगमेंट है, और टिपिकली जो हाउसिंग और यू नो वाटर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियाँ हैं वहाँ पर डेफिनेटली निवेश के मौके काफ़ी है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे मार्केट्स में यू नो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि मार्केट्स में जिस प्रकार की आज तेजी आई है, हो सकता है कि कल थोड़ी सी और तेजी चले, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के आगे थोड़ा बहुत मार्केट्स कंसोलिडेट हो तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो माहौल है पॉजिटिविटी का आगे भी चलता रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहां पर अब ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा अविनाश जी कह रहे हैं। अविनाश जी आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन ग्लोबली कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है जिसका असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है, उसमें से एक है कच्चा तेल। हमने देखा 13 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है, तो इस गिरावट का किन शेयरों को फायदा होगा, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, बताने के लिए सीधे रुक करते हैं। दीपांशु आपके पास हम आ रहे हैं, जरा बताइए कच्चे तेल में गिरावट से किन शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा है? बाजारों में बेहतरीन तेजी देखने को मिली और इसकी एक वजह यह भी है कि तेल में बड़ी गिरावट हुई है। तेल के दाम 13 महीने के निचले स्तर पर हैं। चीन में कोरोना वायरस फैलने से कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि तेल की खपत में धीमापन देखने को मिलेगा, तो इसके चलते चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। और हमने कुछ ऐसे ब्रोकरेजेस के पिक्स निकाले जो तेल की गिरावट के साथ उन्हें फायदा होगा। सबसे ऊपर है एयरलाइन स्टॉक्स में इंडिगो। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर 2050 रुपये से ज़्यादा का लक्ष्य दे रही है, वहीं क्रेडिट स्वीस 1900 का लक्ष्य दे रही है और जेपी मॉर्गन 1740 रुपए का लक्ष्य दे रही है। आईओसी की बात करें तो जेफरीज का यहां पर 180 का लक्ष्य है, वहीं जेपी मॉर्गन और मैक्वायरी का 175 का लक्ष्य है। नोमुरा 160 रुपए का यहां पर लक्ष्य दे रही है। यूपीएल ये स्टॉक आज भी एक्शन में रहा, जेफरीज का लगभग 800 रुपए का लक्ष्य है, वहीं मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन का 700 रुपए से ज्यादा का लक्ष्य है और एचएसबीसी का 680 का लक्ष्य है। एशियन पेंट्स तेल की गिरावट से इनको भी काफी फायदा होता है, की रॉ मटेरियल है, 2000 का लक्ष्य दे रही है एचएसबीसी। कैस्ट्रॉल इंडिया नतीजों के दम पर भी इस स्टॉक में काफी एक्शन देखने को मिला और एचएसबीसी मानती है कि स्टॉक 165 रुपए तक जा सकता है। अपोलो टायर्स और सीएट इंडिया भी फोकस में है। अपोलो टायर्स पर जेफरीज का टारगेट है 265 का, वहीं सीएट पर जेफरीज का टारगेट है 1430 का और मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1100 का टारगेट दे रही है सीएट पर। जी जी दीपांशु, आपने जानकारी दी कच्चे तेल से जिन शेयरों पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अविनाश जी हम आपसे जानना चाहेंगे आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है, जिन जिन शेयरों की बात की दीपांशु ने अभी, वहां पर कोई पसंदीदा पिक जहां पर खरीदारी की सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि जो सबसे बेहतरीन सेक्टर है जो कंज्यूमर रिलेटेड है वो पेंट सेक्टर रहेगा। हमको लग रहा है कि एशियन पेंट्स, बजर पेंट्स, ये दोनों ही कंपनीज को क्रूड के कीमतों के कटाई से काफ़ी बेनिफिट होगा। प्लस हम समझते हैं कि जो भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके लिए जीआरएम्स बढ़ेंगे, तो अगर बेहतर चॉइस किसी को करना है तो मैं समझता हूँ कि बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स अभी भी खरीदने के मौके हैं, क्योंकि इसका जो बेनिफिट आएगा वो हमको लग रहा है आने वाले क्वार्टर में इनको रिफ्लेक्ट होगा। हालांकि ये क्वार्टर अभी खत्म हो चुका है, बट अप्रैल टू जून का क्वार्टर अगले साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ओके, तो कच्चे तेल की गिरावट से जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर अविनाश जी दिखा रहे हैं वो है पेंट सेगमेंट में और खासतौर पर बर्जर और एशियन पेंट में, वो खास ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। अविनाश जी एक बार फिर आपके पास आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट नतीजे हैं जो कि कल आने वाले हैं जिसमें एचपीसीएल है प्रमुख। कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए हमारे साथ है रिसर्च एनालिस्ट संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए एचपीसीएल के नतीजे क्या कहता है अनुमान?
देखिए, अगर आप तिमाही दर तिमाही नंबर्स को कंपेयर करेंगे एचपीसीएल के, तो आपको सुधार जरूर नजर आएगा। हालांकि उतना नहीं जितना हम आईओसी के केस में बात कर रहे थे कि मुनाफा 4 गुना बढ़ने का अनुमान है। एचपीसीएल की जहां तक बात है तो मुनाफे में करीब 30% के आसपास की बढ़ोतरी इस बार देखने को मिलेगी। आय जो सेल्स हैं वो करीब 7.5% बढ़ती हुई दिखेगी और कामकाजी मुनाफा 19.5% और मार्जिन 3.8% के 4.2% रहेंगे। आईओसी के केस में आप देखिए, पिछला जो क्वार्टर था वो बहुत ख़राब था क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा टूट गए थे, इन्वेंट्री लॉस होते हुए दिखे थे। एचपीसीएल की जहाँ तक बात है तो नंबर्स में हम देख रहे हैं कि लॉसेस तो नहीं, लेकिन हाँ जो इन्वेंट्री गेन का नंबर जो काफ़ी छोटा था वो 53 करोड़ था, वो बढ़कर इस बार 240 करोड़ आता वो दिखेगा। तो उससे कहीं ना कहीं मुनाफे के नंबर को सपोर्ट आता वो दिखेगा। और दूसरी बात, जो जीआरएम्स करीब $3 के आसपास के थे वो बढ़कर करीब $4 के आसपास के इस बार एचपीसीएल के केस में आते हुए दिखेंगे। तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट होगा तिमाही दर तिमाही, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना हमने आईओसी के केस में देखा था, लेकिन फिर भी 30% मुनाफा बढ़कर 1371 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता। जी अविनाश जी, आपके पास आए पहले और राय ले आपसे एचपीसीएल पर, मैं बर्जर पेंट्स के नतीजों पर भी यहां पर फोकस करना चाहूंगी जो कि कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रहने वाले हैं इस पर आशीष चतुर्वेदी हम आपके पास आ रहे हैं। बर्जर पेंट्स के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, नतीजे अच्छे आएंगे, मुनाफा 36% बढ़कर करीब 182 करोड़ रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ में आपको सालाना आधार पर जरूर एक निराशा देखने को मिलेगी। वॉल्यूम ग्रोथ में हमारा अनुमान है कि 17% से घटकर इस बार वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 8 से 10% रहेगी। कारण यह है कि पिछले साल बिक्री का काफ़ी ऊंचा बेस था, जिसके चलते आपको ये जो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है थोड़ा सा कम नजर आएगा। लेकिन त्योहारी सीजन के होने के कारण जो डेकोरेटिव सेगमेंट है वहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, और साथ ही जो कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और हल्की सी गिरावट थी, इसका फायदा मार्जिन पर देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन में हमारा अनुमान है कि जो मार्जिन है वो 14.6% से बढ़कर 16.2% रहेंगे। इनके कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 19-20% की आपको बढ़त देखने को मिलेगी। आय में भी 7% का उछाल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे आएंगे। ओके, तो कुल मिलाकर बजट पेंट्स के नतीजों का अनुमान अच्छा ही लग रहा है। अविनाश जी, बजट पेंट्स पर तो आप अपना कॉन्फिडेंस जता चुके हैं, एचपीसीएल के आने वाले नतीजों पर आपकी क्या राय है, खरीदारी की सलाह करेंगे? मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल में भी डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्रेंसी आने की उम्मीद है। हालांकि ये नतीजे मार्केट्स ने मोरलेस प्राइस में डिस्काउंट किए हैं, लेकिन अगर क्रूड के कीमतें अगर $54-55 कंटिन्यूसली रहते हैं तो मैं समझता हूं कि मार्केट्स डेफिनेटली इस बात को लेके डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 6 से 12 महीने का अगर नज़रिया लेना है तो डेफिनेटली एचपीसीएल में भी एक निवेश का मौका बनता है। तो डेफिनेटली अगर चॉइस किया जाए तो मैं समझता हूँ बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। BPCL, HPCL 6 से 12 महीने के तौर पर HPCL इनफैक्ट इसमें निवेश का मौका आप ढूंढ सकते हैं, अविनाश जी की राय है। नतीजों का सीजन तो है ही, लेकिन कल अगर इंट्राडे के तौर पर किसी को खरीदारी करनी हो अविनाश जी, तो आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी? इंट्राडे के लिए स्वाति, हमको आईटी स्पेस में टाटा एलेक्सी पसंद है। हमको लग रहा है कि स्टॉक ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है। यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे का टारगेट रहेगा वो 1068 रहेगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस करीबन 1010 का लगा के ये एक ट्रेड कल के लिए बन सकता है। तो टाटा एलेक्सी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर, ये उनके इंट्राडे पिक है। अब कल के कुछ और आने वाले नतीजों में सिप्ला और डीवीज लैब के नतीजे आने वाले हैं, और ये अनुमान बताने के लिए हमारे साथ हैं रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आशर। देवांशी, दो नतीजे कल आने वाले हैं, सिप्ला और डीवीज लैब। सबसे पहले सिप्ला के अनुमान क्या कहते हैं? सिप्ला के नंबर्स इस तिमाही में थोड़े से बेहतर आने की उम्मीद जरूर की जा रही है। आप देखिए, सिप्ला की जो कुल आय है करीब 9 से 10% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। घरेलू बाजार करीब 8 से 10% बढ़ने का अनुमान है, और साथ ही यूएस से इसको काफी सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। इस तिमाही में यूएस कारोबार करीब 7 से 9% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, तिमाही आधार पर यूएस कारोबार में थोड़ी सी गिरावट जरूर बनती हुई दिख रही है, और साथ ही जो ट्रेड जेनरिक कारोबार है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कतें थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, और इसी के चलते घरेलू बाजार को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ जरूर दिख रहा है। इसके अलावा कुछ नए लॉन्च के चलते यूएस से थोड़ा सा सहारा मिलेगा, और अगर दूसरी ज्योग्राफीज की बात करें तो ईएम कारोबार में हल्की रिकवरी देखने की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका कारोबार एकदम फ्लैट आने की उम्मीद है,
बहुत ज़्यादा बढ़त आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अगर फ्लैट सेल्स अगर आते हैं तो कुल आय जो है करीब 10% से बढ़ती हुई दिख सकती है। कामकाज मुनाफे की बात करें तो करीब 17 से 18% तक की ग्रोथ हम देख सकते हैं। खर्च इस बार कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम करते हुए दिखे हैं और साथ ही बेटर प्रोडक्ट मिक्स के चलते भी इस बार मार्जिन्स को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। कुल मिला के जो मार्जिन्स हैं 18% के सामने 19 से 20% के आसपास आते हुए दिख सकते हैं और मुनाफा जो है वो करीब 26% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। जो टैक्स का बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही अब जो कमेंट्री है इस पर नजर रहेगी कि कितने नए प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी, क्या पाइपलाइन है और साथ ही मार्जिन से आगे जाके कितने ज्यादा बेहतर हो सकते हैं इस पर कड़ी नजर रहेगी। सिप्ला के अलावा देवांशी, आप हमें डीवीज लैब के नतीजों का भी अनुमान बताने जा रही है, आंकड़े क्या कहते हैं डीवीज लैब को लेकर? डीवीज लैब में इस तिमाही में काफ़ी ज़्यादा सुस्त नंबर्स आने की आशंका बनती हुई दिख रही है। आप देखिए पिछले साल का जो बेस है वो काफ़ी ऊंचा था। पिछले साल कंपनी को चाइना के बंद होने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हुए दिखे थे, एपीआई में काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी घरेलू बाजार में और इसी के चलते डीवीज के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर आए थे। इस बार इसी के चलते जो आय का नंबर है करीब 10% ही बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको। साथ ही अगर हम कामकाज मुनाफे की बात करें तो करीब 5% गिरते हुए दिख सकते हैं कामकाज मुनाफे, इसलिए क्योंकि आप देखिए जो चीन से आने वाले कच्चे माल की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी थी और इसी के चलते जो मार्जिन्स हैं इस पर भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। मार्जिन्स इस बार घटेंगे करीब 39% से घटकर 34% के करीब आते हुए दिख सकते हैं। मुनाफे की बात करें करीब 2 से 3% तक मुनाफा भी घटता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो क्रैम्स कारोबार है इस पर फोकस करना चाहिए, क्रैम्स कारोबार थोड़ा सा अच्छा इस बार परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है और इसी के चलते आय को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन एपीआई कारोबार में केवल 5 से 6% तक ग्रोथ का अनुमान इस तिमाही में बनता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर नंबर्स थोड़े से ऑपरेशनली बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछले बेस की बात करें तो काफी ऊंचा था और इसी के चलते इस बार नंबर्स आपको थोड़े से सुस्त दिखेंगे। जी देवांशी, इनफैक्ट अगर हम कल के नतीजों से पहले थोड़ा परफॉर्मेंस देखें सिप्ला और डीवीज लैब दोनों का, तो सिप्ला में अविनाश जी आज सिप्ला का शेयर हल्की तेजी के साथ बंद हुआ और डीवीज लैब में हमने 0.5% की गिरावट देखी। दोनों में ही क्या करना चाहिए सिप्ला और डीवीज लैब में? मुझे लग रहा है कि सिप्ला में डेफिनेटली एक निवेश का मौका है। हमको भी लग रहा है कि यूएस के मार्केट्स में अगर डबल डिजिट ग्रोथ आता है तो मार्केट्स को डेफिनेटली ये बात काफ़ी पसंद आएगी और ओवरऑल जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, जो डील पाइपलाइन रहेगी नए प्रोडक्ट्स की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। डीवीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ने अनुमान किया है कि इस क्वार्टर के नंबर खराब आएंगे क्योंकि एपीआई बिजनेस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, तो ओवरऑल जिनके पास डीवीज है वो होल्ड करे, फ्रेश निवेश की कोई राय नहीं है। लेकिन सिप्ला में डेफिनेटली अगर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए खरीदना चाहे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सिप्ला में बन सकता है। तो सिप्ला में खरीदारी की सलाह लगभग शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से और डीवीज लैब में अगर है तो बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बाजार आज और कल में अब सीधे रुख करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल जी, बाजार के लिए जो अहम ट्रिगर्स थे जिसमें बजट था वो तो चला गया, ग्लोबल क्यूज है कुछ जो कि बरकरार हैं, इसके अलावा अब और बाजार के लिए तेजी के ट्रिगर्स क्या रहने वाले हैं? ट्रिगर नंबर वन, दुनिया के बाजार सब ठीक रहने चाहिए, कोरोना वायरस को लेकर नई खराब खबरें नहीं आनी चाहिए, चीन और अमेरिका के बीच में इसको लेकर तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, यह सबसे पहले जरूरत है। दूसरा, आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक शुरू हो गई, परसों बैठक है और आरबीआई फैसला करेगा ब्याज दरों के बारे में। उम्मीद इस बार किसी तरह के बदलाव की किसी को है नहीं, लेकिन आरबीआई गवर्नर साहब अपनी पॉलिसी में ऐसा कुछ न कहे जिससे कि बाजार का मूड खराब हो जाए। वैसे वो करते नहीं ऐसा, आमतौर पर मार्केट फ्रेंडली माने जाते हैं, मूड खराब करने के लिए ऐसा कुछ कहेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, लेकिन भाई पॉलिसी तो पॉलिसी है, आरबीआई है, जब तक ना आ जाए तब तक आपको सावधान तो रहना है। और दूसरा, अगर आरबीआई गवर्नर कुछ अच्छा कह दे, अच्छा कर दे तो फिर और तेजी बन भी तो सकती है। और तीसरा है नतीजे जो हमारी कंपनियों के आ रहे हैं, एक के बाद एक नतीजों का सीजन चल रहा है जोरों पर, तो अब तक नतीजों में कोई बड़ा एक्सीडेंट दिख नहीं रहा, कमोवेश रिजल्ट्स ठीक है, और अगर ये रिजल्ट्स ठीक रहते हैं तो ये तीसरा कारण हो सकता है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो बाजारों में तेजी भी कर सकते हैं और तेजी जैसी कोई बात ना हो तो मंदी आनी है तो भी इन 3 फैक्टर में से ही किसी से आएगी या तीनों से आ सकती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो इस हफ्ते अब आगे के लिए आपके काम करते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका। चलिए अब आपको बताते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके।
आज ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बन रहे हैं? हाय स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए मार्केट में बहुत बढ़िया आप मूव देखने को मिला है, तो दो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं दोनों ऑप्शंस के लिए है। पहला स्टॉक ऑप्शंस में टाटा स्टील है। टाटा स्टील में लगता है यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, तो टाटा स्टील का 450 का कॉल 16 से 17 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 10 रुपए का और ऊपर में फिर टारगेट हमको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं 25 से 30 रुपए तक के, टाटा स्टील के 450 कॉल के अंदर। और कोई दूसरा स्टॉक ऑप्शन आपका? हाँ, और दूसरा स्टॉक ऑप्शन जो है वो HPCL में है। HPCL मतलब हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो में 230 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। ये ओवरसोल्ड स्टॉक है, यहाँ से एक पुल बैक और बाउंस बैक मेरे को लगता है देखने को मिलेगा 1 से 2 दिनों के अंदर। इसके लिए 230 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 8 रुपए के आसपास। 6 रुपए का इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेगा इस स्टॉक का, इस कॉल ऑप्शन का 11 से 14 रुपए का। जी बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए बाजार आज और कल में। अविनाश जी, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके फेवरेट पिक जानेंगे हफ्ते भर की खरीदारी के लिए, क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी शुरू हो चुकी है, आज से मीटिंग शुरू हो गई है और आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है, उसके तहत आप कौन सा पिक सुझाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा आपकी फेवरेट पिक रहेगी? स्वाति, पोजिशनल के लिए हमको एस्कॉर्ट्स पसंद है। हमको लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स में अगर एक हफ्ते का व्यू इन्वेस्टर्स लेते हैं तो करीबन 900 का टारगेट पॉसिबल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 820 का रखे, और लॉन्ग टर्म पिक जो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में अच्छी कर सकती है वो KEC इंटरनेशनल है। हमको लग रहा है पावर और पावर ट्रांसमिशन स्पेस में ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कंपनी की करीबन 4,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और जो नतीजे 7 तारीख को आएंगे हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन नतीजे आएंगे, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी कोई खरीदना चाहे तो एक अच्छा मौका है। साल भर का टारगेट हमारा यहाँ पे करीबन 400 रुपया है। ओके, KEC इंटरनेशनल में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की सलाह अविनाश जी की। एस्कॉर्ट्स में अगर पोजिशनल खरीदारी की आप का नजरिया रखते हैं तो हफ्ते भर की खरीदारी कर सकते हैं एस्कॉर्ट्स में। ये तो बात हुई हफ्ते भर की और लॉन्ग टर्म की, पर अब हम आपको बताते हैं कि हाजिर में 24 कैरेट सोने का भाव क्या रहा है। ये बंद हाजिर भाव है सोने के, और 24 कैरेट सोने का भाव 40,443 रुपए, 22 कैरेट सोने का भाव 37,195 रुपए, और 18 कैरेट सोने का भाव 30,455 रुपए शाम के सत्र के लिए है। और ये सोने का हाजिर भाव इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का है। इस भाव में 3% GST शामिल नहीं है। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट का आपका भी शुक्रिया। कल एक बार फिर से होगी मुलाकात, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके, और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए आप जरूर जुड़िए सुबह 7 बजे से Zee Business के साथ।